को तो बठिंडा के लोगों ने जवाब दे दिया है कि 13 सीटों में से तीसरे नंबर पे जिसमें सबसे हाईएस्ट वोट्स पोल हुई हैं वो बठिंडा पार्लियामेंट्री हलका है, बाकी जो एक और दो नंबर में है वो पहली बारी खड़ रहे हैं और ये चौथी बारी खड़ रहे हैं, खड़ी हो रही हूँ, और तब भी बठिंडे के लोगों ने पूरे 13 सीटों में से सबसे तीसरे नंबर की वोट जो हाईएस्ट पोल हुई है वो बठिंडा से हुई है। मेरे 9 में से 5 पार्लियामेंट्री हलकों में मेरी लीड आई है, एक हलका मैं 250 वोट से पीछे रही हूँ और एक हलका 500 वोट से, सो मैं तो समझती हूँ 9 में से 7 में मेरी लीड आई है और 9 के 9 हलकों में आम आदमी पार्टी के MLA हैं। जो मंत्री साहब मेरे सामने खड़े थे पूरे लंबी हलके के एक एक गांव से लीड आई है, रिकॉर्ड तोड़ लीड आई है। जो उनके आम आदमी के प्रधान बुढ़लाडा से हैं उधर से मेरी रिकॉर्ड तोड़ लीड आई है, और बठिंडा शहर में तो आम आदमी पार्टी जहां मुख्यमंत्री साहब 3 रैलियां करके गए थे और केजरीवाल भी आए थे वहां पे आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आई है और अकाली दल ने उनसे ज्यादा वोटें ली हैं। सो मुख्यमंत्री साहब को कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो अपने कुर्सी में बैठे रहें, जब उनको थोड़ी सी भी शर्म हया है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अकाली दल के साथ के लोगों को उन्होंने टिकटें दी, पूरा प्रशासन का जोर लगाया, सारी पार्टियां कटी थी तब भी पहले से ज्यादा डबल रिकॉर्ड के लीड से लोगों ने इस बारी फतवा दिया है। तो क्लियरली ये फतवा कांग्रेस और आम आदमी के अलायंस के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के मुंह पे एक तरीके से लोगों ने टिका के उनको जवाब दिया है और उनका फेलियर के ऊपर उन्होंने मोहर लाई है, और इसमें से मैं समझती हूँ जब पंजाब का कुछ भला चाहिए तो भगवंत मान को सीट छोड़ के किसी और काबिल आदमी को देनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेज चलाने लायक हैं, स्टेट चलाने लायक उन 2.5 साल में अभी तक नहीं सीख पाए, ये लोगों ने जवाब दे दिया। देखिए बठिंडा के लिए तो बहुत सारे विजन है, मैं लोगों को बेनती करूंगी कि ठीक है ये पंजाब में आज बहुत जबरदस्त एंटी BJP वेव जो चल रही थी और लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया, जिस करके मुझे तो बीइंग अ सिख मुझे दुख होता है कि इन दिनों में जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे अकाल तख्त साहब पे हमले किए, जो सिखों का कत्लेआम किया और उस सिखी की एरिया से सबसे ज्यादा लीड 7 सीटें कांग्रेस लेके जाए, तो एक सिख के नाते ये दुख तो कहीं होता है, पर ठीक है ये लोगों का फतवा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इस चीज को पहचाने कि जहां आम आदमी और कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ी थी, मेरे हलके पे इन्होंने बूथ भी इकट्ठे कर दिए थे, वोटें भी इकट्ठी डाली हैं, सो ये कुर्सी की खातिर जो इकट्ठे हुए हैं 7 कांग्रेस के और 3 आम आदमी के, इन्होंने पार्लियामेंट में जाके आप मेरे से लिख के ले लीजिए पंजाब का जो नाम भी लेना है। बाकी बचे 3 में से एक अभी जेल में है और 2 जो हम बचे, मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि श्रोमणी अकाली दल पावे चाहे अकेले है लेकिन इन 12 बाकियों में से उनसे ज्यादा पंजाब के मुद्दे उठाए जाएंगे, एक एक मुद्दा उठाया जाएगा, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, और ये निकम्मी सरकार के खिलाफ जो नशे फैला रही है, बेरोजगारी फैला रही है, कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़िया हुई है, तो ये सारी मुद्दे मैं वहां पे भी उड़ाऊंगी और अपने इलाके के और अपने पंजाब का जो हक बनता है सेंटर से उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। देखिए मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई है, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, जब आप बेहुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा, तो आपको जब उसका भुगतना पड़ा उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और 2 चीजें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने जबान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं तो शायद इन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा।